हेलो गाइज, वेलकम टू माय पुष्पा ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं स्किन वाइटनिंग ग्लोसी मेकअप बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो हमारी क्लाइंट है उसके स्किन काफ़ी डार्केस्ट हैं और वो काफ़ी वाइटनिंग स्किन मेकअप करना चाहती है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और जितने भी प्रोडक्ट यूज करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दूंगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट की स्किन को अच्छे से प्रेप करूंगी। सबसे पहले क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग स्किन को बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने स्किन में पहले क्लिंजिंग लगाया, उसके बाद टोनर स्प्रे की, उसके बाद मैं निविया से मॉइस्चराइज कर रही हूँ ताकि क्लाइंट का स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाए और अच्छे से मेकअप फिर स्मूथ हो जाने के बाद अप्लाई कर सकूँ। अब मैं कलर करेक्ट ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ जिससे जितने भी डार्कनेस है स्किन पे, स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, वो सभी छुप जाएंगे ऑरेंज करेक्टर से। उसके बाद मैं आईज पे कंसीलर लगा रही हूँ ताकि मैं जहाँ जहाँ पे ब्लैक एरिया है उस पर मैं कंसीलर से हाइड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं आई मेकअप पहले करूँगी। सबसे पहले मैं आई पे वाइट कंसीलर लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी जिससे हमारा जो आई पे मेकअप का कलर होगा वो अच्छे से उभर कर आएगा। इसलिए जितना लाइट कंसीलर आई पे रहेगा उतना अच्छे से आपके आई मेकअप आई लुक लगेगा। तो मैं अब क्रीज लाइन बना रही हूँ ब्राउन से, ब्राउन शेड लेकर क्रीज लाइन दोनों आईज पे एक कर ली। उसके बाद लाइट ब्लू से पीछे इनर कॉर्नर पे हाफ लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि अलग सा ना दिखे कुछ आईज पे। उसके बाद मैं ब्लू सिमर आईलाइनर से थोड़ा सा क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ ताकि एक अच्छा लुक क्रिएट हो आई मेकअप में। उसके बाद ब्लेंडिंग कर दी अच्छे से। उसके बाद मैं आईब्रो को अच्छे से शेप देने के लिए PAC का आईब्रो फिलर से फिल कर रही हूँ। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में उसके नाम मेंशन कर दूंगी। स्पूली की मदद से मैं आईब्रो को कॉम कर दी। अब मैं हाईलाइट एरिया पे अच्छे से कंसीलर लगा रही हूँ, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद मैं PAC का फाउंडेशन लगा रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा सिमरी डस्ट मिक्स की हूँ जिससे इसकी मेकअप और ग्लॉसी लुक आ सके। ये थोड़ा हाई कवरेज मेकअप क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि जो क्लाइंट है उसका स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्केस्ट है और वो चाहती हैं कि वो काफ़ी फेयर लुक रहे उनका स्किन, तो इसके कारण इसके स्किन पे हाई कवरेज फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। PAC का फाउंडेशन है। उसके बाद ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग होने के बाद मेकअप सेटिंग पाउडर से मेकअप फाउंडेशन को अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतना अच्छा आपका मेकअप रहेगा, ये ध्यान रहे। पाउडर से अच्छे से कवरेज दें। उसके बाद मैं शुगर के कंटूर पैलेट से कंटूरिंग कर रही हूँ, नोज को शार्पनेस दे रही हूँ। जॉ लाइन इसके पतले हैं तो हल्का कट कर रही हूँ जिससे इनका थोड़ा और शार्पनेस आ जाए। अच्छे से फिर ब्लेंडिंग करना है। मैं ब्रश PAC का यूज कर रही हूँ। फिर ये पाउडर कंटूर से थोड़ा सा कंटूरिंग की, उसके बाद
ब्लशिंग कर रही हूँ। ब्लशिंग करने के बाद आईब्रो बोन के नीचे हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि वो थोड़ा शाइन करे। सेंटर ऑफ द नोज हाइलाइटर लगाई, क्यूपिड बो पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। चूँकि ग्लॉसी मेकअप है इसलिए थोड़ा सा हाइलाइटर ज़्यादा यूज की। लाइनर लगाई, अब लिपस्टिक से पिंक लिपस्टिक फील कर रही हूँ लिप पे और ब्रश की सहायता से अच्छे से लिप को शेप दे रही हूँ। मेकअप कंप्लीट होने के बाद लिपस्टिक लगने से ही मेकअप अच्छे से खिलकर दिखता है, सुंदर लगता है। उसके बाद थोड़ा सा शाइनी ग्लिटरी बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें सीमर लगा रही हूँ लिपस्टिक के सेंटर पे, लिप्स के सेंटर पे, और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए अच्छे से ब्रश की सहायता से थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का हल्का सिमरी और डस्ट लगा रही हूँ क्योंकि ये वाइट स्किन वाइटनिंग और ग्लॉसी मेकअप है तो थोड़ा हाइलाइटर अच्छे से लगना चाहिए। अब आपका मेकअप कंप्लीट हो गया है। मेकअप कंप्लीट होने का मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स कर दी। देख सकते हैं ये फाइनल लुक काफ़ी चेंजेज आया। इनका स्किन डार्क था और काफ़ी फेयर लुक आया। स्किन भी काफ़ी ग्लेज कर रहा है जैसा कि आप देख रही हैं। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।